इसके तहखाने में एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे लोग चमत्कार या जादू जैसा नाम देते हैं। परंतु चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। पिछली वीडियो में हमने आपको विट्ठल मंदिर के बारे में बताते हुए ये भी कहा था कि हम अगली वीडियो विरूपाक्ष मंदिर के ऊपर बनाएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 15वीं शताब्दी में निर्मित यहाँ 1509 में कृष्णदेव राय ने गोपुरा का निर्माण कराया था। इसे एक परिपूर्ण या परफेक्ट टेम्पल माना जाता है, वो क्यों जान लो। विक्रमादित्य ने 739 से 40 के बीच पल्लव वंश को ख़त्म कर दिया, उसकी खुशी में यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। अब हम फैक्ट की बात कर लेते हैं। इस मंदिर में मैथमेटिक्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन समय में भी लोग हमसे बहुत आगे थे। इसको ज़्यादातर एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल है। इसके तहखाने में 24 घंटे प्रकाश आता है, दिन में सूर्य का और रात में चंद्रमा का। इसे इस तरह से बनाया गया है कि मंदिर की परछाई इसमें उल्टी दिखाई देती है, जिससे लोग इसे देखते हैं तो उन्हें करिश्मा सा नज़र आता है, यानी जादू, वो इसे जादू बोलते हैं। इसे ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। जब रिफ्लेक्ट हुई किरणें इस छेद से गुजरती हैं तो ऊपर से आ रहा प्रकाश नीचे टकराता है और नीचे से जा रहा प्रकाश ऊपर टकराता है, इससे चित्र उल्टा बनता है। और हाँ दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने विट्ठल मंदिर के बारे में बताया था और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक एंट्रेंस है तुंगाभद्र रिवर जाने के लिए, फिर उधर से आने के लिए एक महाद्वार प्रवेश द्वार है, उस तरफ तीनों साइड में प्रवेश द्वार है। और नेचुरली पेंटिंग, अर्बल पेंटिंग है। इसमें 8 कॉलम्स है, जो 8 कॉलम्स में हमारे देश को 2 महाकाव्य रामायण महाभारत एंड स्थल पुराण का बारे में पेंटिंग है। तो ऐसे इस तरह पंचपीठ है, तो पहले भगवान महादेव का वाहन नंदी पीठ है, सेकेंड वन साम्राज्य के लिए ध्वज स्तंभ, थर्ड वन नैवेद्य पीठ प्रसाद लेके आके रखने के लिए, फोर्थ वन इष्ट सिद्धि पीठ, फिफ्थ वन दीप स्तंभ विजयनगर टाइम में दीप दिया लगाने के लिए। इसे बनाने में बारीकी से ध्यान दिया गया है, यहाँ तक कि बारिश के पानी के लिए भी इनमें छेद किए गए हैं छोटे छोटे। 1986 में इस शहर को विश्व विरासत घोषित किया। जब आप हम्पी में प्रवेश करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता आप क्या देखने जा रहे हैं। तुंगभद्रा नदी पर बसा यह शहर आपके घूमने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरे द्वारा केवल इनमें स्थित कुछ फैक्ट ही बताए गए हैं। आज भी इन्हें बनाना एक बहुत ही कठिन चुनौती है। अब हमारी सरकार द्वारा बनाए जा रहे राम मंदिर और इन मंदिरों में कितना अंतर है, वो आप इन वीडियो से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। पहले सभी मंदिरों को ऐसे डिजाइन किया जाता था जैसे इनमें कोई चमत्कार हो, जो आज करना बहुत कठिन है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको इनसे थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।